दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ रीना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो पूजा होते ही हम आ गए थे शाम को धारे। हम जा रहे हैं सुपाणा वाले रोड से, तो ये रोड से जाएगी सीधा मेरे गांव में धारे। तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की ये नहर है जो आप देख रहे हो। सुबह सुबह डुग्गू आ गया है सिद्धार्थ को उठाने के लिए। तो बच्चे उठे, उसके बाद बच्चों की नज़र गई आड़ू के पेड़ पे। तो आड़ू हो चुके हैं ख़त्म, कुछ बचे होंगे तो बच्चे उनको ही निकाल रहे थे। तो सबका चाय पानी निपटा, उसके बाद हम सब नहा के हो गए हैं तैयार और मम्मी बना रही है नाश्ते में दाल के पकौड़े। डुग्गू और प्रिंसी बैठी हुई है किचन में और मैं ढूंढ रही थी कि मम्मी कहाँ गई। तो मम्मी टंकी में जा रखी थी दाल को धोने के लिए। मम्मी ला गई दाल धो के, उसके बाद लग गए मम्मी सिलबट्टे में दाल को पीसने के लिए। तो उड़द की दाल को मम्मी ने पीस लिया, उसमें मिला रही मम्मी मसाले। वही मसाले हैं हल्दी, नमक और मिर्ची, और अच्छे से उसको फेंटा और उसके बाद किए पकौड़े तैयार। कर दिया है पकौड़ों के लिए पेस्ट तैयार। और ये देखो डुगू पे, डुगू को लगा कि मेरे लिए खाने के लिए कुछ चीज़ रखी हुई है। और मम्मी लग गई फिर तैयारी करने में। तो मम्मी हमेशा मालू के पत्ते में बनाती है दाल के पकौड़े। तो मम्मी इधर पकौड़े बना रही थी, तब तक मम्मी ने मेरे को कहा कि मैं फटाफट बना के देती हूँ और तो फटाफट गैस में निकाल ले। तो मम्मी बना रही थी और मैं गैस में पकौड़ों को निकालने लग गई। इधर हो गई है तैयार हमारी पूरी पकौड़ी और हम करेंगे नाश्ता। इधर सिद्धार्थ के कहने पर उसके पापा बना रहे उसके लिए धनुष, जिसके लिए उन्होंने भीमल की कच्ची टहनी तोड़ी, तो उससे बना रहे हो सिद्धार्थ के लिए धनुष। तो बचपन में किस किस ने बना रखा है धनुष? मेरे भाइयों ने तो खूब बना रखा है। पहले हमारे गाँव में रामलीला होती थी, तो जैसे ही रामलीला शुरू हुई सारे बच्चों को चाहिए था धनुष। सब बच्चे लग जाते थे अपने लिए धनुष बाण बनाने में। सिद्धार्थ का धनुष हो गया है तैयार और सिद्धार्थ लगे अपने धनुष की टेस्टिंग में। कुछ ऐसा था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।